Hello everybody, welcome back to my channel. I'm Lalotha from out of country से मैं हूँ. इसके बारे में डिस्कस करूँगा आप लोग से कि फूड सेफ्टी एंड पर्सनल हाइजीन में कैसे हम लोग रिलेटिव रहते हैं, रिलेशन रहते हैं, इसका होना क्यों जरूरी है. छोटे छोटे चीज है, मैं घर में जो चीज हम लोग जो यूज करते हैं, छोटा छोटा बच्चा लोग, छोटा 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 टूल्स जो है, हम लोग फूड सेफ्टी गाइडलाइंस का उधर उसमें आपको देखेगा. छोटे छोटे चीज है हम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन इसमें से कुछ जो भी चीज है क्रॉस कंडेमनेशन होने का चांसेस रहते हैं. इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. चलिए आज फूड सेफ्टी रिलेटेड बारे में आप लोगों हाइजीन एंड फूड सेफ्टी के बारे में रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट आप लोग साथ मैं डिस्कस करूंगा. सबसे पहले क्या है कि हम लोग जब घर में कोई ब्रेकफास्ट लेते हैं, कोई फ्रूट खाते हैं, कोई लाइट एंड स्नैक्स लेते हैं, लेते समय हम लोग क्या करते हैं कि फूड सेफ्टी का हम लोग का फूड का जो भी चीज है कैटरी है हम लोग प्रॉपर नहीं करते. जैसे मान के चलिए आम अभी खाना खाने बैठे, ब्रेकफास्ट करने बैठे, स्नैक्स खाने बैठे एंड चाय पीने बैठे, चाय के साथ स्नैक्स खाने बैठे, हम लोग क्या है सिंपली हैंड वॉश करते हैं. हैंड वॉश करते हैं तो हमारा जो भी हैंड जो भी है सैनिटाइज हो जाता है. सैनिटाइज होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, दूसरा चीज कि उसके बाद खाते खाते कुछ स्नैक्स या टी जो भी चीज़ है हम लोग चपाटी रोटी जो भी चीज़ खाना खा रहे हैं उसी टाइम सडनली कभी कभी क्या होता है कि एसी का स्विच ऑन करना पड़ता है, गर्म हो जाता है, फिर आपको सडनली फोन आ जाता है, उसका आ जाता है रिसीव करना पड़ता है, खाते खाते रिसीव करते हैं या उसके साथ आप चपाटी स्नैक्स खा रहे हैं उसी में क्या करते हैं आप सडनली फोन आ गया उसके बाद आप टच करते हैं, फिर एसी ऑन करना पड़ता है. जो भी चीज़ है कुछ काम जो चीज़ है हम लोग को हमेशा हैंड सैनिटाइज करना या फूड सेफ्टी के बारे में रिलेटेड बारे में सोचना, पर्सनल हाइजीन के बारे में, नीट एंड क्लीन हाइजीन के बारे में सोचना, ये चीज आपको बहुत जरूरी है. जैसे कि कुछ घर में जैसे कि पेन रहता है, ईयरबड रहता है, ईयरबड बोले तो आपको मैं देखा था ये क्या आपको कोई ईयरबड है आप जो कान में लगाते हैं इसमें क्या ये तो बार बार आप सैनिटाइज नहीं करते डायरेक्ट ऐसे करके टच करके करते हैं उसके बाद लगाते हैं टच करते हैं लगाते हैं उसके बाद जो भी चीज़ें आपको कैटरी सिस्टम फॉलो करते हैं. फिर आपको खाते खाते आदत हो गया, बच्चा लोग को आदत हो गया क्या बोलते हैं कि आपको टीवी चलाना है, रिमोट इस्तेमाल करते हैं, टीवी का हो, फ्रिज का हो, जो जिसका भी चीज़ हो, एसी का हो, जो भी चीज़ उसके पास कुछ टूल्स है जैसे कि की है आप बार बार सैनिटाइज नहीं करते, की है आप बार बार सैनिटाइज नहीं करते, इसको भी एक प्रोसेसर करना चाहिए, सिस्टम में करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए. उसके बाद जो कुछ चीज़ है जैसे कि मान के चलिए आपको जो भी चीज़ है जो फोन का जो हेडफोन है बार बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बार बार इस्तेमाल करके उसके बाद जो भी चीज़ है ऑफिस में हम लोग घर में बैठे बैठे हम लोग माउस का इस्तेमाल करते समय हम लोग लैपटॉप चलाते हैं, लैपटॉप का कीपैड कीबोर्ड जो भी चीज़ है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर उसी हाथ से हम लोग हमारा हाथ नीट एंड क्लीन है और हम लोग उस फूड को खाना स्टार्ट करते हैं. ये क्या है कि इसमें जो भी चीज़ फोन है उसके बाद आपको माउस हो गया, बार बार हम लोग बहुत सा आदमी लोग इंसान लोग टच करते हैं घर में से किधर से आए इधर से आए बाहर से आए और फोन में इसको माउस में टच करते हैं.
इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया इस सब चीज में, टूल्स में, छोटा छोटा टूल्स में बैक्टीरिया रहता है। इसमें भी आप पेन है, पेन की बार बार इस्तेमाल करते हैं बट इसको सैनिटाइज नहीं करते, आपको हाथ ही साफ करते हैं, ये चीज है। उसके बाद रिमोट है, अभी तो ये भी घर में रिमोट कभी सैनिटाइज किया नहीं, किया किसी ने नहीं किया, हमारा घर में भी नहीं किया, हमारा घर में भी नहीं किया। ये चीज छोटा छोटा चीज है, आपको खाते खाते में खाते खाते समय आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो भी चीज़ है, ये छोटा छोटा चीज, छोटा छोटा सिस्टम जो फूड सेफ्टी या आपको कंडम्पशन होने से, आपको फूड को पॉइजन होने से रोक सकते हैं। ये चीज है, पर्सनल हाइजीन है, सब चीज पर्सनल हाइजीन, जो भी आप लोग यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, हमारा छोटा छोटा बच्चा लोग यूज करते समय, खाते समय यूज नहीं करना चाहिए, खाते समय खाते खाते फोन यूज करते हैं, खाते खाते रिमोट यूज करते हैं, आप 10 मिनट कितना 10 मिनट या 15 मिनट 10 मिनट के अंदर में, विद इन 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर में आपका खाना हो जाता है, बट उसी दौरान उसी ड्यूरेशन में आप क्या करते हैं, ये सब चीज डाइजेस्टिव सिस्टम को आप इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ से आपको सडनली हो जाता है तो आप क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये चीज है, थोड़ा इसको अवॉइड करके चलिए, इसको अवॉइड करिए जब तक आप फूड खा रहे हैं, फूड को ले रहे हैं, अवॉइड करिए, उसे हाथ से टच करिए, उसे हाथ से टच करते हैं फिर उसके बाद फूड खाते हैं, क्या क्या ये क्या सबसे ज्यादा बैक्टीरिया क्रॉस कंडक्शन फूड पॉइजन, कैसे कैसे हाथ है, कैसे कैसे माउस में जो बैक्टीरिया है इसमें कभी कोई धोते नहीं है, कितना बटन हम लोग यूज करते हैं, कौन कौन यूज करता है, बाहर से भी कोई भी गेस्ट आता है घर में, ऊपर ऊपर यूज करते हैं, किधर किधर से आता है, टच करते हैं, तो हम लोग को बार बार आपको खाते समय हैंड वॉश करके खाना चाहिए, बाहर से आते हैं उसको बराबर हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है। ये चीज है, छोटा छोटा चीज है, आपको आपका जो फूड जो खाना है सेफ है, बट आप लोग का ये सब टच करते हैं तो चप करने के बाद आपको क्या फूड कंटामिनेशन होने का चांसेस रहता है। ओके, थैंक यू सो मच, ये मेरा छोटा सा वीडियो क्लिप था आपके लिए, ये जो पर्सनल हाइजीन या फूड सेफ्टी के बारे में डिस्कस करना था, हाउ टू क्रॉस कंटामिनेशन कैसे होता है इसके बारे में। उसके बाद खाते खाते समय आपको फ्रिज का डोर खोलते हैं, फ्रिज हमेशा क्लीन नहीं करते, उसमें इधर से जाते उधर से जाते बाहर से आते हैं, फ्रिज डोर खोलते हैं, खोलने के बाद आप क्या उसी उससे खाते हैं। ये छोटा छोटा चीज़ है फूड सेफ्टी का। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलता हूँ।